अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल टुडे? आई माई सेल्फ शेख सुमैया ऑन बिहाफ ऑफ SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल फ्रॉम स्टैंडर्ड सेकेंड विल गोइंग टू टीच यू टुडे सब्जेक्ट इंग्लिश 1 फ्रॉम चेरी बुक सेमेस्टर 2। लेट अस स्टार्ट अवर स्टडीज। एज वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 4, Jomo and the Dolphin. Now we will going to study the exercise of it. Fill in the blanks. Number 1, it was a hot day's morning. So kaun si morning thi wo? It was a hot summer morning. Number 2, the sun was shining day's. Sun kaise shine kar raha tha? Brightly. Number 3, Jomo ran to the desk flowing near his house. Jomo दौड़कर कहाँ गया था? River में. Number 4, the boys decided to have a swimming desk. Boys ने swimming का क्या करने का सोचा? Competition. Number 5, Jomo spotted a desk. Jomo ने क्या देखा? Dolphin. Let us look at the spelling. SUMMER summer, BRIGHTLY brightly, RIVER river, COMPETITION competition, DOLPHIN dolphin. Now number 2, rearrange the following sentences in the correct order and write them in the blanks. ये हमको एक स्टोरी की हाइलाइट्स दी है जिनको हमको करेक्ट ऑर्डर में रखना है, लाइक स्टोरी में पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से हमको उसको नंबर्स देने हैं। तो यहाँ पर देखो, हमको सबसे पहले क्या हुआ था कि जोमो ने उसके घर के पास जो रिवर है वहाँ गया था, तो जोमो वेंट टू द रिवर क्लोज बाय, उसके बाद वो वहाँ जाकर स्विम करता है। He wanted to swim. वो स्विम करना चाहता है. Then उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ थे. His friends were already there. उसके बाद उन लोगों ने वहाँ स्विमिंग कॉम्पिटिशन करने का सोचा. They had a swimming competition. Then उसके बाद क्या हुआ था? जोमो ने डॉल्फिन को देखा था और वो तैरने लगा था. जोमो saw a dolphin and swam away from him. Then जोमो को डॉल्फिन जो है वो जोमो के पीछे पीछे जा रही थी. द डॉल्फिन फॉलोड हिम एंड देन टुक हिम ऑन इट्स बैक. और उसके बाद क्या हुआ था? जोमो एंड डॉल्फिन फ्रेंड्स हो गए थे. जोमो एंड द डॉल्फिन बिकेम फ्रेंड्स. तो ये जो ऑर्डर है ये आपको यहाँ पर नंबर वाइज लिखना है, ये पेज पे और ये पेज पे. इस तरह से आपको पूरी स्टोरी शॉर्ट में कंप्लीट करनी है. नाउ क्वेश्चन 3 का जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे जिनको हम नोटबुक में लिखते हैं. नाउ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको लिखना नहीं है. जोमो इज़ अ लिटिल बॉय एंड द डॉल्फिन इज़ अ ह्यूज एनिमल, है ना. जोमो कौन है? एक छोटा बच्चा है और डॉल्फिन बहुत ह्यूज होती है, बहुत बड़ी होती है. येट दे बिकेम फ्रेंड्स, फिर भी वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए. इज़ इट रियली पॉसिबल टू हैव फ्रेंडशिप विथ एनिमल्स, क्या फ्रेंडशिप एनिमल्स के साथ फ्रेंडशिप करना पॉसिबल है? डिस्कस विद योर क्लासमेट्स, तो ये आपको अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है. हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअली. यस, इट इज़ नेसेसरी टू हैव फ्रेंडशिप विद एनिमल्स, एनिमल्स के साथ फ्रेंडशिप करना ज़रूरी है. कितनी बार होता है कि लोग पेट्स रखते हैं, जैसे डॉग है, कैट्स है, अपने घर में पालते हैं और वो लोग एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं. सम एनिमल्स आर वेरी लॉयल एंड डू नॉट हार्म अस अनलेस वी हर्ट देम, और कुछ एनिमल्स बहुत ही वफादार होते हैं और तब तक वो हमको नुकसान नहीं करते जब तक हम उनको नुकसान ना करें. तो एनिमल्स कैन बी आवर फ्रेंड्स. ओके, नाउ वोकैबुलरी, रीड दिस वर्ड अलाउड. अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, BREAD, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ब्रेड. पर अगर हम देखें तो इसके अंदर 5 अल्फ़ाबेट है, लाइक BREAD.
Do you know we can use the letters of these words to make new words? Read the words made from the word bread. अब ये जो वर्ड है ना, इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं इसमें से हम नए वर्ड्स बना सकते हैं. लाइक बी ई डी बेड, आर ई डी रेड, बी ई ए डी बेड, आर ई ए डी रेड, बी ई ए आर बियर, डी ई ए आर डियर. इस तरह से हम नए वर्ड्स बना सकते हैं. तो यहाँ भी ये जो हमें वर्ड्स दिए हैं इसके कुछ अलग वर्ड बनाने हैं. मेक अ न्यू वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. डॉल्फिन, डी ओ एल पी एच आई एन, तो इसमें देखो एल आई ओ एन, लाइन. नंबर टू, एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड, तो इसमें से हम बना सकते हैं डी ई एन डेन. एफ आई एन डी फाइंड भी बन सकता है, ई एन डी एंड भी बन सकता है, आप अपनी पसंद से भी कुछ अच्छे वर्ड बना सकते हो. नंबर थ्री, स्विमिंग, तो यहाँ देखो डब्ल्यू आई एन जी, विंग. नंबर फोर, कॉम्पिटिशन, सी ओ एम पी ई टी आई टी आई ओ एन, कॉम्पिटिशन, तो इसमें से देखो पी ई टी, पेट, ये एक नया वर्ड बनता है इसमें से. ऑल राइट चिल्ड्रन, ये हमारा पेज नंबर 28 यहाँ ख़त्म होता है. इसके बाद हम आगे की जो भी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. इवन देन अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स और ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, एंड डोंट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर अवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.